सीतापुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीतापुर के कमलापुर थाना इलाके के गोन नदी पर बड़ा हादसा होने की जानकारी मिल रही है, जिसमें चाचा और भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ से एक कार पर एक ही परिवार के 4 सदस्य सवार होकर सीतापुर आ रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर कार 70 फीट नीचे पुल में जा समाई और उस पर सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल से लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। मृतक हरदोई जनपद के मल्लावा के मूल निवासी हैं और इस समय लखनऊ के मड़ियावा में रहते थे। आपको बता दें कि जो मृतक हैं, इनका सीतापुर में डीपी वर्मा इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज है, उसी के जुड़े हुए ये लोग हैं, यानी प्रबंध तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं। और आपको अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मृतकों में मनीष वर्मा का नाम बताया जा रहा है, जो डीपी वर्मा इंटर कॉलेज प्रबंध तंत्र के सदस्य हैं। इसके अलावा संदीप वर्मा की भी मौत होने की खबर है, ये भी डीपी वर्मा डिग्री कॉलेज के कोषाध्यक्ष होने बताए जा रहे हैं। और रिश्ते में संदीप वर्मा चाचा हैं और मनीष वर्मा भतीजे होने बताए जा रहे हैं। इसी कार पर सवार डॉक्टर कौशलेश वर्मा, जो चेयरमैन है डीपी वर्मा डिग्री कॉलेज खगसिया मऊ के, और आशीष वर्मा जो प्रबंधक हैं डीपी वर्मा डिग्री कॉलेज खगसिया मऊ के, इनको भी गंभीर चोटें आई हैं और इन्हें जिला अस्पताल से लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। इस गाड़ी को मनीष चला रहे थे और ये गाड़ी 70 फीट नीचे गोन नदी के गिरी है, जहां पर ये मौत हुई है। दरअसल ये रहने वाले मल्लावा हरदोई के बताए जा रहे हैं और मड़ियावा लखनऊ में इस समय रह रहे थे, वहीं से ये अपने स्कूल को आ रहे थे। आपको ये भी बता दें, संदीप और कौशलेश सगे भाई हैं, मनीष और आशीष ये भी सगे भाई हैं, और रिश्ते में मनीष आशीष इनके जो है संदीप और कौशलेश चाचा हैं। तो इस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। जैसे ही हादसे की सूचना आई कि पूरे शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई और ये पूरा परिवार सीतापुर मुख्यालय से महज करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर महोली की तरफ डीपी वर्मा डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज है उसको संचालित कर रहे थे। इसी कॉलेज में ये पूरे लोग आ रहे थे, तभी बताया जा रहा है करीब 10 बजे ये हादसा हुआ है और हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। अब हम आपको हादसा कैसे हुआ और उस हादसे की तस्वीरें भी स्क्रीन पे दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि पुल से कितने नीचे जो है कार गिरती है और कार की क्या दशा होती है। अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर सवार लोग कैसे बच सकते थे जब इतनी बुरी तरह कार क्षतिग्रस्त हो चुकी है। फिलहाल 2 लोगों की हालत चिंताजनक है, लेकिन उन्हें प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल से देने के बाद लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। हम आपको सीधे ले चलते हैं मौके पर, जहां पर मौजूद हैं आई इंडिया के कसमंडा संवाददाता सत्यप्रकाश सिंह। सत्यप्रकाश सिंह, जानना चाहेंगे यह हादसा कितने बजे का है, कैसे हुआ और कौन कौन मौके पर पहुंचा था, क्या कुछ जिम्मेदारों का कहना है? जी, आपको बता दें, आज सुबह करीब 10 बजे कार सवार 4 लोग लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते लखनऊ से सीतापुर की तरफ जा रहे थे। इसी बीच थाना कमलापुर के अंतर्गत गोन नदी के पास बने पुलों के बीच की खाई में कार अनियंत्रित होकर के कई पलटनी खाते हुए जाकर के नदी में गिरी, जिसमें कार में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोग काफी गंभीर घायल थे। उधर से गुजर रहे सीओ सिधौली शोभित कुमार ने घटना को देखते हुए तत्काल मौके पर पहुंचे और घटना से कमलापुर पुलिस व एनएच की टीम व एम्बुलेंस को बुलाया और सभी घायलों को स्थानीय लोगों व पुलिस और एनएच की टीम की मदद से जिला अस्पताल सीतापुर भिजवा दिया।
और ये भी जानना चाहेंगे सत्य प्रकाश, जो गोन नदी है वहां पर हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, कोई अलग अलग बातें आ रही हैं, आखिर ये 70 फीट नीचे कैसे कार गिरी और वो कार कौन सी थी? वो कार टाटा टैगोर थी, और वहाँ पर गोन नदी के पास तीव्र मोड़ है और दोनों पुलों के बीच में कोई वहाँ पर डिवाइडर या कोई चीज़ नहीं बनाई गई है जिससे कोई वाहन आए और उसमें टकरा करके रुक जाए, या कोई वाहन आता है और तीव्र मोड़ और यदि उसकी रफ्तार तेज है तो वो मोड़ के कारण नीचे चला जाएगा और लुढ़कती खाते हुए वो कार इसी प्रकार जा करके नदी में गिरी है और जिससे यह हादसा हुआ है। और वहां पर घटना की सूचना पाकर के सिदौली SDM राखी वर्मा भी पहुंची है मौके पर, और उनके साथ में घटना पर वहां पर SI वरिष्ठ उप निरीक्षक शिव प्रसाद पांडे भी थे, सुरेंद्र बहादुर और आर के सिंह, ये लोग सब वहां घटना स्थल पर मौजूद थे। बिल्कुल, तो ये दुर्घटना वाला पुल है और इसमें जरा सी अगर चूक होती है तो निश्चित तौर पर इसी तरीके की दुर्घटना होती है, ये कहना है हमारे संवाददाता का। और भी आपको बता दें कि दरअसल इस दुर्घटना का जो कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि अलग अलग कारण बताया जा रहा है। एक तो ये बताया जा रहा है जो गाड़ी चला रहे थे उनको झपकी आ सकती है, या फिर ये भी बताया जा रहा है कि बंदर आ गया था जिसे बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हुई और 70 फीट नीचे जाकर गिरी। और भी कई कारण बताए जा रहे हैं, फिलहाल ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये दुखद हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है, शिक्षा जगत के क्षेत्र में इन सभी का बड़ा योगदान है। हमने आपको बताया कि सीतापुर के खगसिया मऊ में DP वर्मा डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज ये पूरा परिवार संचालित कर रहा था। मूल निवासी ये लोग मल्लावा हरदोई के हैं, लेकिन लखनऊ के मड़ियावा इलाके में रहते हैं, वहीं वहीं से ये लोग आ रहे थे, स्कूल के लिए ही निकले थे और ये हादसा हुआ और हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। जिनकी जान गई है वो मनीष वर्मा हैं, जो DP वर्मा इंटर कॉलेज प्रबंध तंत्र के सदस्य हैं, और संदीप वर्मा ये DP वर्मा डिग्री कॉलेज के कोषाध्यक्ष हैं। दोनों लोग रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। इसके अलावा चाचा और भतीजे यानी डॉक्टर कौशलेश वर्मा जो चेयरमैन है DP वर्मा डिग्री कॉलेज खगसिया मऊ के, ये और आशीष वर्मा जो प्रबंधक हैं DP वर्मा डिग्री कॉलेज खगसिया मऊ के, इनकी हालत गंभीर है, इन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। आइए हम आपको सुनाते हैं, जो अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी हैं NP सिंह, उन्होंने दुर्घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी दी। एक बहुत ही दुखद घटना अभी सुबह 10:30 पर घटित हुई है, जिसमें 2 व्यक्ति क्रमशः संदीप वर्मा और मनीष वर्मा, जो मृतक मड़िया लखनऊ के मूल निवासी सीतापुर आ रहे थे, उनकी मृत्यु हुई है। जानकारी ये प्राप्त हुई है कि वो दोनों लोग बल्कि गाड़ी में 4 लोग थे, सुबह जाहिर कार थी, काफ़ी स्पीड में लोग आ रहे थे सीतापुर के साइड में, और कमलापुर थाने में गोड़ नदी है उस पर एक बहुत ही डेड इन टाइप का एक पुल बना हुआ है जहाँ से काफ़ी बड़ा कर्व है, तो ये लोग संभाल नहीं पाए, गाड़ी की स्किड कर गई और बाएं ही साइड में ये नीचे खाई में गिर गए, काफ़ी गहरी हवा पानी भी थी और चोट लगे दोनों के तत्काल मौके पर मौत हो गई, उनकी डेड बॉडी मछली में रखी हुई है। 2 लोग उसमें और जो बैठे थे गंभीर रूप से घायल हैं, उनको लखनऊ रेफर किया गया अच्छे इलाज। आपने अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी NP सिंह को सुना। आपको बता दें कि सीतापुर में हादसे दर हादसे हो रहे हैं, लेकिन इनसे कोई सीख संबंधित विभाग नहीं ले रहे हैं। यातायात माह भी चलाया जाता है, यातायात सप्ताह भी चलाया जाता है, लेकिन जो दुर्घटना बाहुल्य इलाके हैं वहां ऐसे कोई संकेत के निशान नहीं है। एक दिन पहले ही हरदोई के रहने वाले और सीतापुर में नेक्सा के GM की ऐसे ही दर्दनाक मौत हो चुकी है, वो पिरई नदी के पुल से नीचे गिरे थे और इसी के बाद ये दुर्घटना सामने आई है। अब देखना होगा जिम्मेदार ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में क्या कोई ठोस पहल करते हैं या नहीं। फिलहाल सत्य प्रकाश, आपने बहुत अहम जानकारी दी, आपका शुक्रिया। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर
खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।